हाउ टू ओवरकम लेजीनेस, के मतलब हम अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाएं, एनर्जी फुट फुट करके अंदर से बाहर निकले। लोगों को लगता है सोने से, रात को अगर हम सोते हैं तो उससे एनर्जी बढ़ती है, नहीं, अच्छे से अगर आप सोते हो तो एनर्जी बढ़ती है। जब आप सुबह उठते हो, अगर नींद आपकी गहरी है, गहरी नींद कैसे होती है, कभी सोचा है? फिजिकली थक जाओ, गहरी नींद आएगी, आती है नहीं आती है? सुबह डेली आप एक घंटा कुछ कर लो एक्सरसाइज, और शाम को डेली एक घंटा वॉक कर लो, खाने के बाद में नींद अच्छी हो जाएगी, फिर क्या होगा, बॉडी को माइंड को पूरा रेस्ट मिलेगा, यू वेक अप फीलिंग एनर्जाइज्ड। एक्यूप्रेशर के बारे में पता है आप लोगों को? तो एक्यूप्रेशर की किट आती है ऑनलाइन, बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपको मिल जाएगी, 300-400 रुपए की पूरी किट होगी वो। उस किट में क्या होगा, एक प्लेट होती है जिसके ऊपर बहुत सारे कांटे कांटे होते हैं, उसको अपने कमरे में कहीं पर साइड में रख दो, उठते ही सिर्फ एक मिनट के लिए उसके ऊपर खड़े होना है, देखो एनर्जी कैसे बढ़ेगी आपकी। और उस किट में और क्या क्या होता है, कुछ रिंग्स होती है, मेटल की रिंग्स होती है बड़ी छोटी सी, जिसको आप ऐसे कर सकते हो अपनी एक एक फिंगर में, ये जो दो हाथ है हमारे पास में उसमें कुछ उंगलियां हैं, उसमें एक एक करके ऐसे, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो ये सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो या तो हमारे फीट में होते हैं या हमारे हाथों में होते हैं। एक ऐसे एक रोलर सा होता है, उसको ऐसे ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे कर सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये जो होता है ना हमारा रेस्ट, ये एनर्जी पॉइंट्स है बेसिकली। आपने ये भी किया ना सिर्फ 3-4 मिनट के लिए सुबह उठते ही डेली, देखो एनर्जी कहाँ जाएगी। पानी, पानी आप लोग पानी क्या होता है, मैं अपने कई सेशन में बोलता हूँ कुछ करने के लिए, तो सामने से इमीजिएटली एक्सक्यूज आता है, सर नहीं नहीं ये आप बोल रहे हो ना हम नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसलिए मैं भाई कंफर्म कर लेता हूँ कि आप कल को ये ना बोल दो नहीं जी पानी नहीं है हमारे घर में। सुबह उठते ही छपके मारे, जैसे होता नहीं है आँख के ऊपर, इससे बड़ा मतलब सही एनर्जी आपके अंदर, एकदम नींद उड़ जाएगी। तो सुबह सुबह नींद आ रही होती है ना, आलस उड़ जाएगा। सुबह उठते ही विदिन 20 मिनट के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई फ्रूट खाना है, अब बनाना और वट एवर यू लाइक, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा मेटाबॉलिज्म बॉडी का गिरा हुआ है, तो जैसे ही आप कुछ खाते हो तो इमीडिएटली आप वापस से एनर्जाइज हो जाते हो। अ फ्रूट इज 1000 times बेटर देन चाय कॉफ़ी। चाय कॉफ़ी में क्या है, शुगर है, शुगर को बोलते हैं एम्प्टी कार्ब्स, उसमें क्या हुआ, कोई फाइबर तो है नहीं, तो इमीडिएटली एनर्जी रिलीज हुई शुगर से। बनाना में क्या होता है, उसमें फाइबर भी है, तो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती है। तो बनाना से जो आपको एनर्जी मिलेगी वो 1-2 घंटे तक सस्टेन हो, चाय कॉफी से जो एनर्जी मिलेगी वो 5-10 मिनट के लिए सस्टेन होगी, उसके बाद में फिर आलस आने लगेगा। जैसा आप एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखोगे बाहर, वैसे ही अंदर आपके एनवायरनमेंट क्रिएट होता चला जाएगा। दाढ़ी बढ़ाई हुई है, पड़े हुए हैं, साइड में बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं, गंदी 3 दिन से सड़ रही हैं, उसके ऊपर मक्खियां घूम रही हैं, रात का खाया हुआ खाना वहां पे पड़ा हुआ है, चारों तरफ सब कुछ फैला पड़ा है, अब आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी? साफ सफाई से एनर्जी का डायरेक्ट कनेक्शन है। बाहर आप साफ सफाई रखो, लेजीनेस छुएगी भी नहीं आपको। तो नेवर बी लेजी एज फार एज क्लीनिंग इज कंसर्न। कोई काम नहीं है करने के लिए, साफ सफाई करो, बिजी रहो ना, खाली क्यों बैठना है, काम करोगे, थकोगे, रात को नींद अच्छी आएगी, सुबह फ्रेश उठोगे, फिर जो अगले दिन करना है वो करो। जब हमारे पास में कोई रीजन होता है, कोई बहुत बड़ा किसी काम को करने का, तो फिर हमारे अंदर लेजीनेस नहीं होती है। गोल्स मस्ट ऑलवेज बी रियलिस्टिक, दैट क्रिएट्स एनर्जी, जो आपके लिए चैलेंजिंग भी हो लेकिन इम्पॉसिबल ना हो, और एक टाइम फ्रेम सेट कर दिया कि इतने टाइम के अंदर अंदर इसको मेरे को अचीव करना है। Within the next 1 week, I have to achieve it. Within the next 1 month, I have to achieve it. तो माइंड क्लियर हो गया, माइंड को बिल्कुल क्लियर पता है कि ये गोल है। You must not live a life without goals. कुछ लोग मेरे सेशंस का गलत मतलब निकाल लेते हैं, जब भी मैंने बहुत बार इस चीज को बार बार रिपीट किया है, ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, तो गोल नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से एक जगह पर जाएगी, वो तो एनर्जी भटक जाएगी। कहाँ जाएगी एनर्जी, उल्टी सीधी जगहों पर जाएगी, या तो फालतू की जगहों पर, या फिर अंदर कुछ भी चलता रहेगा, क्या चलेगा, नेगेटिव ही चलेगा। तो सेट रियलिस्टिक गोल्स। जब हमारी प्लानिंग स्ट्रांग होती है पूरे दिन की,
कि आज मुझे इतने बजे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये काम पेंडिंग है, ये है, वो है, तो हमारी एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, लेजीनेस हमारे अंदर से चली जाती है। लेकिन बीच में ऐसे भी कुछ दिन होते हैं जब हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है, वेले हैं, तो भाई फिर तो लेजीनेस हावी हो गई होगी आपके ऊपर। तो अपने आप को अननेसेसरी वेला मत होने दो, और अगर आप वेले भी हो, मतलब कुछ करने के लिए नहीं भी है, तो जस्ट बी अवेयर, पड़े मत रहो जैसे नाली में एक सुअर पड़ा रहता है, वैसे मत पड़े रहो। अगर आपको टिक करके एक जगह पर बैठना आ जाए बिना किसी एफर्ट के, जबरदस्ती नहीं कि मैं कह रहा हूं इसलिए बैठना, ना ना, धीरे धीरे, दो चार पांच मिनट से आपने शुरू किया, धीरे धीरे, मतलब 20 मिनट तक एक जगह पर टिक करके आराम से बैठे हुए हो, जो है उसको देख रहे हो, जो है उसको सुन रहे हो, जो है उसको जान रहे हो, तो जैसे ही ये होगा उसके बाद में यू वुड फील अंदर सब कुछ साफ हो चुका है, जो भी अंदर गंद मचा हुआ था, एंड यू आर फुल ऑफ एनर्जी। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? शाबाश, सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करते हो, रात को सोने से पहले अपना फोन चेक करते हो, पूरे दिन अपना फोन चेक करते हो, क्या आप फोन के गुलाम नहीं हो? ये जो अवेयरनेस वाली बात मैंने करी थी उसका आपको क्या बेनिफिट होगा? इफ यू कैन बी अवेयर, तो आप इस बात को बड़े अच्छे से समझ सकते हो जो बात मैं बोल रहा हूँ। जैसे अगर मेरे को पर्सनली अगर मैं बताऊँ, मोबाइल पे गया कुछ काम करने के लिए, ऐसा ही आप लोगों के साथ भी होता होगा कि ईमेल है उसको रिप्लाई करना है, रिप्लाई करने के लिए गया, लेकिन साथ में कुछ देखा, वहां से उधर गया, फिर पता नहीं किधर किधर गया, और फिर डेढ़ दो घंटे बाद समझ आया, अबे तेरी ये क्या हो गया, ये होता है नहीं होता है? हाँ। और उस डेढ़ घंटे बाद में जब वो मोबाइल साइड में मैं रखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि मेरी जो आंखें हैं वो टायर्ड हो चुकी हैं, आंखों में जलन हो रही होती है, बॉडी स्टिफ हो गई होती है, बॉडी में कई जगह पर कई तरह के पेन्स हो रहे होते हैं, ऐसे ऐसे हमको करना पड़ता है, एक ही पोजिशन में हम हैं, उसके बाद में हम लेजी हो जाते हैं एट अ फिजिकल लेवल। आपकी लेजीनेस का सबसे बड़ा जो कॉज है वो आपका मोबाइल फोन है, यकीन नहीं आता तो 3 दिन के लिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए अपने मोबाइल फोन को बंद करके कहीं पर रख दो और फिर देखो क्या होता है, आपकी लेजीनेस कहाँ जाती है। यू विल फील दैट योर एनर्जी लेवल वुड इंक्रीज एटलीस्ट बाय 10 टाइम्स।